अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का पहला सवाल है। शेख अमीर हुसैन हैं बर्मिंघम इंग्लैंड से। वो कहते हैं जी कि सीनियर कॉलम नगार अयाज अमीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि बेहयाई तो ये भी है कि एक ही शहर में एक तरफ आलीशान कोठियां और बंगले हों और दूसरी तरफ कुछ लोग इसी शहर में कूड़े के ढेर से खाने की चीज़ें तलाश कर रहे हों। क्या समाजी और माशी तफरीक को बेहयाई करार दिया जा सकता है? शेख अमीर हुसैन साहब, पहली बात तो ये है कि अयाज अमीर मेरे जो चंद गिनती के दो तीन पसंदीदा कॉलम नगार हैं वो उनमें से एक हैं। उनका स्लूप बिल्कुल सादा है, उसलूप पैकिंग की तरह होता है। आप कीमती से कीमती चीज़ में पत्थर डाल दें और घटिया से घटिया कपड़े में जवाहरात डाल दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। अयाज अमीर साहब उन चंद लोगों में से हैं जो सस्तापन और घटियापन नहीं करते, जो जगलरी नहीं करते, जो बाजारीपन नहीं करते, जो बाजीगरी नहीं दिखाते। उनके कॉलम्स में एक डेप्थ होती है और एक मैसेज होता है। अच्छा, अब रह गया सवाल आपका, जिसका बॉटम लाइन ये है, क्या समाजी और माशी तफरीक को बेहयाई करार दिया जा सकता है? हुजूर, हमारा तो दीन तुलु ही इस काम के लिए हुआ है कि बिलाल हबशी हमारे आका के साथ बैठेंगे, उस्मान हजरत उस्मान गनी के साथ बैठेंगे और हजरत उमर बिन खत्ताब उन्हें सैयदना कह के बुलाया करेंगे। यही समाजी और माशी तफरीक ख़त्म करने के लिए तो हमारे ख़ातमुन्नबीयीन ने मक्के के औबाशों बदमाशों की तरफ से दी गई अज़ियतें बर्दाश्त की। इसी समाजी और माशी तफरीक को ख़त्म करने के लिए हमारे हुजूर ने शौबे अबी तालिब में फाके काटे। इसी को ख़त्म करने के लिए ताइफ में पत्थर खाए। इसी समाजी और माशी तफरीक को ख़त्म करने के लिए उहद में जख्म सहे और ग़ज़वा खंदक में पेट पे पत्थर बांध के खंदकें खोदी और अपने महबूब तरीन शहर मक्का से हिजरत करने का दुख उठाया। ये तो मैंने समरी तारीख की बयान कर दी आपके सामने, अदरवाइज क्या है? लड़ाई क्या थी, झगड़ा क्या था, रौला क्या है? मैं कम माया आदमी हूँ, मैं को आलम फाजिल नहीं हूँ, लेकिन मेरा इंटरप्रटेशन, मेरा इस्लाम तो यही है जिसमें दरियाए दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा रह जाए तो अमीरुल मोमिनीन खौफ सदा हो जाता है। एक और बात मैं आखिर पे अर्ज कर दूं कि इस्लाम तो इंतहा पसंदी को वैसे ही मुस्तरद करता है। मैंने पहले भी कई बार अर्ज किया किसी और कॉन्टेक्स्ट में
कि हमारे दीन में तो इंतहा पसंदी जो है वो इबादत में भी और खाने में भी इजाजत नहीं। तो बेशुमार इमारत और बेशुमार गुर्बत की इंतहा को इस्लामी कहना या इवन सोचना खुदा महफूज रखे। बस। और कमाल ये है कि ये काम उस मुल्क में हो रहा है जिसका नाम है इस्लामी। लफ्ज पे गौर करें, जमहूरिया और फिर पाकिस्तान, पाक लोगों की, ये पाक लोगों का हाल है। तो मैं तो जी 100% अयाज अमीर के साथ मुत्तफिक हूँ। बाकी अपनी अपनी, अगर कोई हक फरोश होगा वो इसको और तरीके से भी इंटरप्रेट कर लेगा, लेकिन मेरी इंटरप्रटेशन बिल्कुल यही है। और मैं तो मुद्दतों से, मुझे तो 26, 27, 28 साल हो गए हैं यही लड़ाई लड़ते हुए, यही बात करते हुए, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। बहरहाल थैंक यू वेरी मच।